बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का मेरा प्रोजेक्ट है हैंड जेस्चर कंट्रोल रिबोट वाया ब्लूटूथ मॉड्यूल को पेयर करने के लिए। पहले से हम वीडियो बना चुके हुए हैं जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो वॉच करके ब्लूटूथ मॉड्यूल को पेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सर्किट डायग्राम से। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसमीटर का सर्किट है। तो इस सर्किट में सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है। इसके बाद पावर ऑन ऑफ के लिए पॉजिटिव पे स्विच यूज़ किया हुआ है। इसके बाद अर्डिनो नैनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद MPU 6050 एक्सेलेरोमीटर सेंसर यूज़ किया हुआ है, जो कि I2C प्रोटोकॉल के थ्रू अर्डिनो के साथ अटैच किया हुआ है, अर्डिनो की A4 और A5 पिन के साथ। इसके बाद एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है HC05। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ब्लूटूथ मॉड्यूल को हमें पेयर करना पड़ेगा। ब्लूटूथ मॉड्यूल को पेयर करने के लिए एक ब्लूटूथ मॉड्यूल को मास्टर रखेंगे और एक को स्लेव रखेंगे। मास्टर और स्लेव में से एक मॉड्यूल आपने ट्रांसमीटर वाली साइड पर यूज़ करना है और दूसरा मॉड्यूल आपने रिसीवर वाली साइड पर यूज़ करना है। तो दोनों में से कोई सा भी आप ट्रांसमीटर पर लगा सकते हैं और दूसरा आप रिसीवर पर लगा सकते हैं। ये हमारा ट्रांसमीटर का सर्किट था। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास रिबोट का सर्किट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 3.7 वोल्ट के 2 सेल सीरीज में यूज़ किए हुए हैं, तो 7.4 वोल्ट बनते हैं। यहाँ पर हमने पावर ऑन ऑफ के लिए एक स्विच यूज़ किया हुआ है पॉजिटिव पे। इसके बाद अर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक L298 मोटर ड्राइवर यूज़ किया हुआ है। L298 मोटर ड्राइवर के अंदर 2 H ब्रिज होते हैं, यानी कि 2 DC मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाने की ऑप्शन होती है। यहाँ पर हमने राइट साइड की मोटरें OUT1 और OUT2 पिन के साथ अटैच की हुई हैं, और इसी तरह ही लेफ्ट साइड की मोटरें OUT3 और OUT4 पिन के साथ अटैच की हुई हैं। यहाँ पर हमने VIN की पिन पे 7.4 वोल्टेज दिए हुए हैं और ग्राउंड की पिन पे नेगेटिव दी हुई है। यहाँ पर L298 की 6 पिन इनपुट की है, 3 एक मोटर की और 3 दूसरी मोटर की। तो लेफ्ट साइड की मोटर को कंट्रोल करने के लिए अर्डिनो की हमने 5, 6, 7 पिन इनिशियलाइज की हुई है। अर्डिनो की 5 पिन L298 की अनेबल B पिन के साथ अटैच की हुई है। अर्डिनो की 6 और 7 पिन इन 3 और इन 4 पिन के साथ अटैच की हुई है, जो कि लेफ्ट साइड की मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए यूज हो रही है। इसी तरह ही राइट साइड की मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए 8 और 9 पिन इनिशियलाइज की हुई है, और अनेबल A के लिए अर्डिनो की 10 पिन यूज की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज किया हुआ है HC05। ये थी सर्किट डायग्राम। चलिए अब आपको रिबोट के डिज़ाइन का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यह हमारी रिबोट की बॉडी का डिज़ाइन है। 5 mm की क्रैलिक शीट या PVC कार्डबोर्ड को इस डिज़ाइन के मुताबिक आपने कट कर लेना है। मार्केट से आपको रोबोटिक कार किट के पार्ट्स मिल जाते हैं, तो उन पार्ट्स के अंदर इक्रैलिक की शीटें कटी हुई आती हैं, तो आप उनको भी असम्बल करके अपना रोबोट बना सकते हैं। चलिए अब डिज़ाइन के मुताबिक शीट कट कर लेते हैं और इसके बाद अपना हार्डवेयर असम्बल करते हैं।